हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज का वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो अबाउट फेरम सल्फ्यूरिकम। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक दवा होती है, स्पेशली सर दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द, गैस, वॉर्म इन्फेस्टेशन और महिलाओं में पीरियड के समय होने वाली समस्या में बहुत अच्छा काम करती है। सो आज हम डिटेल में इसी के बारे में समझेंगे कि कैसी कैसी बीमारियों में कैसे लक्षण मिलने पर आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस दवा को किस पावर में, किस पोटेंसी में यूज करना होता है। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं फेरम सल्फ्यूरिकम के बारे में। सो फेरम सल्फ्यूरिकम दो दवा का कॉम्बिनेशन होता है, सल्फेट ऑफ आयरन होता है। यहाँ पे आपको फेरम ग्रुप के जो लीडिंग सिम्टम्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे और कुछ कुछ सल्फर के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो मोडालिटीज़ होती हैं, जैसे कि वार्म रूम में, वार्म वेदर में वार्म्थ से एग्रवेशन होना, कोल्ड से फ्रेश एयर से एमिलेशन होना, ये सल्फर की मोडालिटीज़ में देखने को मिलती है। साथ ही फेरम वाले लक्षण जैसे कि आयरन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, खून की कमी, ये पेल स्किन, ये सारी चीज़ें जो है ये भी देखने को मिलती है, जो कि फेरम से आती है। लीडिंग जो फेरम की रेमडीज होती है उसमें देखने को मिलता है। सो दोनों के कॉम्बिनेशन से इस दवा को बनाया गया है। दवा के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले हेडेक की बात करते हैं। इसमें सर दर्द बना रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बॉडी का जो ब्लड है, खून है, वो सर में ही फ्लो करने लगा है और इसकी वजह से फेस जो है फ्लशिंग दिखाई देती है, ग्लो करता है, स्कारलेट कलर का हो जाता है, रेड रेड फेस हो जाता है। सर दर्द के साथ चक्कर भी आते हैं और कई बार कानों से रिंगिंग की आवाज़ें आती हैं, कानों में टिनिटस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये दवा जो होती है इसमें जो सर दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा पिकुलियर होता है, क्योंकि ज़्यादातर जिसकी जो परेशानियाँ तकलीफ़ें होती हैं उनके साथ ये सर दर्द आ जाता है। यानी पीरियड के इशू है तो सर दर्द आ जाएगा, पेट में प्रॉब्लम है तो भी सर दर्द आ जाएगा, तो हर प्रॉब्लम के साथ ये अकम्पनी करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके गैस्ट्रिक सिम्टम्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ में इसमें टूथेक भी देखने को मिलता है, दांत में दर्द रहेगा और दर्द ऐसा होता है कि आपका दांत बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई कीड़ा नहीं लगा, कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं है, उसके बाद भी एक तेज़ वाला दांत दर्द होता है। और जब भी कोई ठंडी हवा लगती है या फिर आइस आप अप्लाई करते हैं अपने चीक्स पे तो आपके दांत के दर्द में आराम मिलता है। ऐसी कंडीशन में दवा अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ अगर आपका माउथ का टेस्ट जो है हमेशा नमकीन सा बना रहता है, सॉल्टी रहता है, तो उस केस में ये दवा अच्छे से काम आती है। ये दवा गैस्ट्राइटिस के केसेस में भी काम करती है, जहाँ पे पेट में, स्टोमक में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से खाना खाने के तुरंत बाद पेट में दर्द होने लगता है। साथ ही साथ आपको डकारें आती हैं, पेट फूलता है, डकारों के साथ साथ कई बार आपको खाना जो होता है वो ऊपर उठ के मुँह में भर भर के आता है, तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं उसमें दवा अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ अगर आपको गॉल ब्लैडर के रीजन में दर्द रहता है और दर्द के साथ साथ आपको पेट फूलता हुआ महसूस होता है तो उसमें दवा का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ ये दवा डायरिया के केसेस में अच्छा काम करती है, जहाँ पे आपको लूज मोशंस होते हैं, वाटरी डायरिया होता है, ना तो उसमें कोई ऑडर रहता है, मतलब स्मेल नहीं रहती है, उसमें स्मेल भी नहीं रहती और एज सच कोई बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होता, पेनलेस डायरिया होती है, या तो फिर ब्राउन कलर की या फिर मडी कलर की जो है डायरिया रहती है ज़्यादातर, तो उस केस में आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये वॉर्म इन्फेस्टेशन में भी अच्छा काम करती है। कीड़ों की समस्या है आपको, चाहे वो किसी भी तरह के वॉर्म हो या फिर टेप वॉर्म हो, एस्केरिस हो, कैसे भी हो, हर केस में आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। ईटिंग डिसऑर्डर होता है बुलिमिया, उसमें बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे बुलिमिया ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप बहुत ज़्यादा खाते, थोड़े थोड़े इंटरवल पे खूब सारा खाना खाते हैं, लेकिन आपका वेट ना बढ़े, वजन ना बढ़े, इसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपना के उल्टियाँ करते हैं,
तो ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है जिसमें ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो, भूख ना लग रही हो, तो उसमें अच्छे से काम आती है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनको मीट जो है बिल्कुल अवर्जन रहता है, मीट बिल्कुल पसंद नहीं करते, किसी भी फॉर्म में नहीं खाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये दवा अच्छे से काम आती है। हो गए गैस्ट्रिक सिम्टम्स की बात कि पेट से रिलेटेड कौन से लक्षण में आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल जेनिटल्स पे ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है, स्पेशली अगर मेनोरेजिया की प्रॉब्लम होती है, पीरियड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है, प्रोलॉन्ग पीरियड रहता है, 6 से 7 दिन तक रहता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा पीरियड से पहले और पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, कमर में दर्द बना रहता है, तो उस कंडीशन में दवा अच्छे से काम आती है। लुकोरिया के कंडीशन में भी कई बार ये दवा बहुत अच्छे से काम आती है, अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती हो, सर दर्द रहता हो, और साथ ही साथ आपको पेल स्किन हो गई हो, कमज़ोरी बहुत लगती हो, तो उसमें आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा जो होती है वो हाथों पैरों में अगर दर्द रहता है तो उसमें भी यूजफुल होती है, स्पेशली अगर आपके पैर में और पिंडलियों में दर्द रहता है, फीट और पिंडलियों में, और ये दर्द आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, नींद भी इससे डिस्टर्ब होती है, तो ऐसे में ये दवा अच्छे से काम आती है। साथ ही साथ अगर आपको राइट आर्म राइट शोल्डर में पेन रहता है तो ये दवा बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आती है। तो ओवरऑल ये दवा जो है बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आती है, बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आप में भी कमज़ोरी रहती है, खून की कमी है, एनीमिया है, और इसके साथ साथ आपको ये सारे लक्षण भी मिल रहे हैं, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दवा की डोजेज की, तो दवा जो है ज़्यादातर हम 1x 3x फॉर्म में यूज करते हैं, लोअर ट्रैचुरेशंस में यूज करते हैं। सिम्टम्स मैच करने पे हम इसको 30 पावर 200 पावर में भी ले सकते हैं। जो होती है आप अपने लक्षणों के हिसाब से दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज के वीडियो में फेरम सल्फ्यूरिकम के बारे में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, या आप ही किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।